लेकिन अब भी नहीं जानता आपको क्या पसंद है, एक किताब, एक टॉय अनोखा सा। बस यही चाहता था कि आप एक बार स्माइल कर दें। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैंने ही फोन किया था जी। आपको याद है मैं 2 महीने पहले आपसे मिली थी आपके दफ्तर में जी, मिसेस मंजू सेठी, अपनी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए। हाँ जी, नहीं जी, 30 की नहीं है अभी वो, अब अभी तो 28-29 की। सिमी सेठी, हाँ जी, फॉर्म भी भरा था और उसी वक्त में आपको वो फोटो भी देकर आई थी। नहीं जी, कोई बात नहीं जी, मैं दोबारा से फोटो दे जाऊंगी। चलो। पता है, मैंने आज तक अपनी स्टूडेंट लाइफ में कभी बंक नहीं किया, वो भी एक नटखट बच्चे के साथ। एक मिनट, क्या हमेशा की तरह तो मेरे उम्र का हिसाब किताब देती रहती हो? माना तुमसे छोटा हूँ लेकिन इस कॉलेज का बच्चा नहीं हूँ मैं। पर लगते तो तुम कॉलेज स्टूडेंट हो ना। ठीक है, कल से मैं अपने बाल सफेद करके आया करूंगा। अरे चोरी ने देख, अगली गली में तो नहीं भागी? से कहा था ना 15 मिनट रुक जाओ, क्या जरूरत थी भागने की? तू हो कौन? विक्की दुगल। क्यों? देखो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे तुम्हें लिफ्ट लेकर। हटो और मुझे भागने दो। मेरा मोबाइल तो पुलिस वाले के पास रह गया। अगर 5 मिनट में तुम्हें तुम्हारा फोन लाकर दिया तो? और अगर नहीं लाकर दिया तो जो मांगूंगा वो कुछ नहीं मिलेगा। और अगर नहीं लाकर दिया ना तो मैं हेलो। यस सर। हाँ जी। यस सर। मैम आप पहले ही बता देती जी, डीजीपी बजाज साहब की पोती हो जी। वीरेंद्र की वजह से कंफ्यूजन था जी, माफ कर दो जी। अरे माफी मांग मैडम जी से। बहन जी गलती हो गई, माफ कर दो। बाहर 24 करोल बाग।